देश भर में गणपति महोत्सव की धूम जारी है। मंदिर पंडालों घरों में पूरी श्रद्धा के साथ गजानन की आराधना की जा रही है। ऐसे में मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में विशेष आरती का आयोजन किया गया। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बप्पा का आशीर्वाद ले रहे हैं। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के घर इंटीलिया में भी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया गया। एक दिन के पूजा के पाठ के बाद गजानन को विदाई दे दी गई। विसर्जन कार्यक्रम में अंबानी परिवार के साथ साथ कई फिल्मी सितारे शामिल। मुंबई में सलमान खान के घर भी गणपति उत्सव की रौनक देखने को मिली, जहां सलमान के घर से गणपति को धूमधाम से विदा किया गया। पूर्व से सजी गाड़ी में बप्पा को लेकर विसर्जन करने के लिए सलमान खान पहुंचे। अकोला के गजानन काले ने कमाल करके दिखाया, जहां पर गजानन काले ने पेंटिंग के जरिए गणपति के अलग अलग 4,000 से ज्यादा प्रतिमाएं बनाई, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही। संबलपुर मां समलेश्वरी मंदिर में उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे, जहां दोनों ने मां का आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद सीएम मांझी समेत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रसाद ग्रहण किया। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह के साथ उल्लास मेले का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअली किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं को सम्मानित भी किया। श्रीनगर में जल संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान आपदा के बारे में भी एक्सपर्ट ने जागरूक किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने जानकारी ली। विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अक्षय पात्रा फाउंडेशन की अनूठी पहल की गई है, जहां पर बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े पैमाने पर अक्षय पात्र में भोजन तैयार किया जा रहा है, जिसे बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटा जाएगा। बेलारूस की आर्याना संबालेका ने यूएस ओपन का खिताब जीता। अमेरिका की जेसिका पेगुला को यूएस ओपन महिला फाइनल में मात दी। घरेलू मैदान में समर्थन के बावजूद पेगुला को संबालेका के हाथों हार मिली।